सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। पैरा स्पेशल फोर्सेस, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बारे में सुनते ही हमारे माइंड में मरून बैरे, बलिदान बैच और कंधे पर स्पेशल फोर्सेस का पैच लगाए हुए कुछ ऐसे टफ सोल्जर्स की इमेज निकल के सामने आती है जो बिहाइंड एनिमी लाइंस जाकर किसी भी युद्ध की परिस्थिति बदलने की काबिलियत रखते हैं। और ये जो स्पेशल फोर्स है इसका अपना एक अलग ही ऑरा है और इनकी काबिलियत के बारे में जितना हम सभी जानते हैं ये उनकी असल काबिलियत का केवल कुछ ही परसेंट हिस्सा है। और बाकी पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज क्या हैं और वे क्या करने की काबिलियत रखते हैं ये शायद हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो ये पैरा कमांडोज हैं इनको इतनी काबिलियत बनाने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो है इनकी ट्रेनिंग। और पैरा स्पेशल फोर्सेस की जो ट्रेनिंग है वो दुनिया की सबसे टफेस्ट ट्रेनिंग में से एक मानी जाती है और ये इतनी टफ होती है कि केवल कुछ ही परसेंट लोग इस ट्रेनिंग को क्लियर कर पाते हैं। हालांकि आज के एपिसोड में हम पैरा स्पेशल फोर्सेस की कोई ट्रेनिंग के बारे में बात करने वाले नहीं हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम पैरा स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग, इसे कैसे ज्वाइन करते हैं, इन सब चीजों पर वीडियोस अलग अलग बना चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं और इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। बाकी आज के एपिसोड में हम पैरा स्पेशल फोर्सेस के एक ऐसे खास रिचुअल के बारे में बात करेंगे, यानी कि एक ऐसे खास रिवाज के बारे में जिसके बारे में आप में से कई लोगों ने सुना भी होगा, कईयों ने नहीं भी सुना होगा और कई ऐसे भी होंगे जिनके मन में इस रिचुअल को लेकर सवाल होंगे। हम बात कर रहे हैं पैरा स्पेशल फोर्सेस के एक खास ग्लास ईटिंग रिचुअल्स के बारे में, यानी कि कांच खाने वाला रिवाज। अब ये क्या है, कैसे होता है, इसको जानने के लिए आपको ये पूरा एपिसोड देखना होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो पैरा स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग के दौरान जब एक जवान फिजिकली और मेंटली सारे बैरियर्स को तोड़ते हुए एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर से आगे निकलकर अपनी आखिरी लिमिट तक किस तरीके से पेन को सहना है ये सीखने के बाद जब वो अपनी 90 दिन की टफेस्ट ट्रेनिंग को कंप्लीट करता है तो उसके बाद वो एक मरून बैरे को पहनने का हकदार बनता है जिसे उसने अपनी कड़ी मेहनत से कमाया है। और जब वो जवान पैरा स्पेशल फोर्स की मरून बैरे को हासिल कर लेता है तो फिर उसके बाद एक खास तरह का रिवाज होता है जिसमें उसे एक पटियाला पैग मिलती है। खैर अगर आप में से कोई ड्रिंक करता है तो उन्हें इस पटियाला पैग के बारे में मालूम होगा, लेकिन जिन्हें मालूम नहीं है उन्हें बता दें कि ये ड्रिंक का वो साइज है जिसे ग्लास के फ्रंट से इंडेक्स फिंगर से पिंकी फिंगर तक मेजर किया जाता है। और जब पैरा ट्रेनिंग के दौरान जवान मरून बैरे को हासिल कर लेता है तो फिर उसके बाद उसे रम या फिर कभी कभी रेड वाइन का एक पटियाला पैक दिया जाता है और उसे पूरा फिनिश करना होता है और वो भी एक बार में। हालांकि नॉर्मल पर्सन के लिए इस पैक को खत्म करना कोई बड़ी बात तो नहीं है और उनके लिए इस पैक को खत्म करने का मतलब होगा कि उसकी आखिरी बूंद उनके गले से नीचे उतर जाए तो मतलब वो पैक खत्म हो गया। लेकिन ये केस है हमारे और आपके जैसे नॉर्मल पर्सन के लिए, और यहाँ पे जिनकी बात हो रही है वो नॉर्मल पर्सन तो बिल्कुल नहीं है, तो इसीलिए उनके लिए इस पटियाला पैक को खत्म करने का जो प्रोसीजर होगा वो भी नॉर्मल तो नहीं होने वाला है। तो होता यह है कि इस रिवाज में जवानों को ये कहा जाता है कि उन्हें पटियाला पैक एक बार में खत्म करना है, लेकिन ये पूरा पैक खत्म तभी माना जाएगा जब आप इसके ग्लास के रिम को बाइट करेंगे, उसे चबाएंगे और निगलेंगे, तब जाकर ये पटियाला पैक पूरा खत्म माना जाएगा। और जो एक ग्लास खाने वाला रिवाज है ये इस बात को दर्शाता है कि जो पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज हैं अब वे एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर को पार कर चुके हैं। अब वो एक नॉर्मल पर्सन नहीं है बल्कि एक स्पेशल पर्सन है। और जो एक कांच खाने वाली परंपरा है ये पैरा कमांडोज का एक ऐसा रिवाज है जो उनके एब्सोल्यूट फियरलेसनेस और सुपियोरिटी को बढ़ावा देता है। अब आप में से कई ऐसे होंगे जिनके मन में सवाल जरूर होगा कि जब पैरा कमांडोज कांच को चबा के खाते हैं तो क्या इससे उन्हें कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आपको बता दें कि जब पैरा कमांडोज ग्लास के रिम को बाइट करते हैं तो वो उसके कांच को डायरेक्टली नहीं निकलते हैं, बल्कि पहले वो उसे अच्छी तरीके से चबाते हैं और उसे तब तक चबाते हैं जब तक कि वो पाउडर के फॉर्म में ना आ जाए और फिर उसके बाद ही उसे निकलते हैं। क्योंकि जो कांच होता है वो नॉर्मली सिलिका होता है और उसमें जो मेन कंपोनेंट होता है वो होती है सैंड यानी कि रेत, तो इसलिए पैरा कमांडोज उस कांच को तब तक चबाते हैं जब तक कि वो पूरी तरीके से पाउडर के फॉर्म में ना आ जाए, तो फिर उसके बाद उसे निगलते हैं ताकि उससे कोई मेडिकल कंडीशन उन्हें ना हो। और पैरा कमांडोज के इसी खास कांच खाने वाले रिवाज के चलते इन्हें ग्लास ईटर्स के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि होने के तो ये केवल एक रिवाज है, लेकिन पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज इसे एक धार्मिक रूप से करते हैं क्योंकि वही उनका धर्म है। बाकी इस एपिसोड में हमने आपको जो भी बताया है इसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल हमारी वेबसाइट defensexp.com पर भी पब्लिश हुआ है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वो आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम हमारी फोर्सेस के इस तरह के अलग अलग रिवाजों के बारे में वीडियोस लेकर आएं तो इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको आगे ऐसी और कौन कौन सी वीडियोस देखनी है।
लेकिन वीडियो को लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।